بسم الله الرحمن الرحيم Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. Bismillahirrahmanirrahim. Adab. रमज़ान मुबारक के ख़ुसूसी बैठकें हैं ये 247online.tv के ऊपर. रमज़ान इबादात रहमतों का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, अल्लाह ताला से मांगने का महीना है, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाने का महीना है. लेकिन वक्त के साथ साथ शायद इबादात की रूह कदरे हमारे मिजाज में से कम हो गई है. हम बहुत सी इबादात में ऐसी में पड़ गए हैं जिनकी शायद रिवायत में कोई जगह ना हो. और बहुत बार ये भी नहीं समझ में आता कि अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगना है, तौबा करनी है, मग़फ़रत करनी है, तो उसके बेहतरीन अल्फाज क्या हैं. कुरान में दुआएं मौजूद हैं, कुरान में रिवायत में बहुत से सवालों के जवाब मौजूद हैं. तो इन बैठकों का मसला, इन बैठकों का मकसद यही है कि वो रिवायात, वो कुरान की आयात, वो दुआएँ, उन पे बैठ के तबसरा किया जाए, बात की जाए, समझा जाए, कलाम किया जाए, ताकि इस रमज़ान जब इबादत के लिए इन अल्फाज इन कलमात का इस्तेमाल हो तो बेहतर दिल की गहराई से वो इबादतें निकलें, वो अल्फाज निकलें. तो हमने दरख्वास्त की चंद असातज़ा से कि वो वक्तन फ़वक्तन हमसे बात करें और एक एक करके कभी आयतुल कुर्सी, कभी सूरह फातिहा, कभी नमाज की रूह, कभी रोज़े की रूह, रमज़ान का मकसद, सिरात मुस्तकीम क्या है, हुस्ने सलूक क्या है, कुरान में जो दुआएं हैं उनके मतलब क्या है, शान नज़ूल क्या है, इस पे बात की जाए. तो ये सिलसिला आपको पूरे रमज़ान मिलता रहेगा. अब अगर आप ये वीडियो YouTube या हमारी वेबसाइट 247online.tv पे देख रहे हैं तो ये ना समझिए कि ये एक अकेली वीडियो है, ये एक कड़ी है पूरी और इसमें कई वीडियोस मौजूद हैं. अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो यहाँ आपको एक लिंक इस पेज पे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा जहाँ से कि आप जाके उस पूरी लिस्ट को देख सकेंगे रमज़ान मुबारक के मुनासबत से जो हमने शोज़ किए. अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको या तो हमारे आखिर में इस शो के जो है एक मेन्यू पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वरना अगर आप http://247online.tv या speakforchange.org पे जाएंगे तो वहाँ पे नेविगेशन से आप देख सकेंगे कि रमज़ान के जो शोज़ हैं उनका कोई लिंक है. वहाँ जाके आपको पेज पे वो तमाम शोज़ की लिस्ट मिल जाएगी जिससे कि आपको इन शोज़ को देखने का मौका मिलेगा. आइए आज जिस मौजू पे बात हो रही है उसकी तरफ चलते हैं. जी सर साहब, अब कौन सी दुआ की तरफ चलते हैं? अब हम आते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ पर. और ये बिल्कुल अपनी नेचर के एतबार से, अपनी नौयत के एतबार से उस दुआ जैसी है जैसी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के उसमें हमने पढ़ी थी आयत करीमा जिसे हम कहते हैं. यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मैंने गलती की और उस गलती पे माफ़ी मांग रहे हैं और सख्त आजमाइश में थे, उस पे माफ़ी मांग रहे हैं. बिल्कुल उसी नौयत की ये दुआ है और सिचुएशन भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह की है कि सिचुएशन ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया, उनके आगे फरिश्तों ने सजदा किया, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जाओ जन्नत में रहो, मगर देखो कि ये फलां जो दरख्त है उसके करीब ना जाना वरना जो है तुम गुमराह हो जाओगे, तुम खसारा पाओगे, तुम तबाह हो जाओगे. ये आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से. यहाँ पर एक बात बहुत बहुत नाजुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की है कि आम तौर पर हम लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो दरख्त कौन सा था, वो गेहूं का था, वो पुदीने का था, किसका था, क्या था. असल जो सिचुएशन है वो समझनी चाहिए. असल मसला ये नहीं कि वो दरख्त किस चीज़ का था, असल मसला ये है कि अल्लाह ताला ने सिम्बॉलिकली आदम को आज़माना था.
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی یہ درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا صرف آزمائش کے لیے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے پھل کو تلاش کریں اور دیکھیں اچھا وہ پھل ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا, شروع کر دیں ہاں اس کو نہیں کھانا چاہیے یوں ہو جائے گا وہ, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی اب دیکھا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ ادھر جاتا ہے کہ نہیں جاتا, امتحان ہے, بتا دیا اس کے قریب نہیں جانا. تو قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کہ جو وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے, ٹھیک ہے, ان کے ذہن سے نکل گئی, وہ بھول گئے, اور شیطان نے ان کو ورغلایا, شیطان نے ان کو اکسایا, اور شیطان نے یہ کہا کہ تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم حیات جاویدہ نہ پا جاؤ, تم ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں بتائیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا اور حضرت آدم علیہ السلام قرآن کے مطابق اپنا وہ وعدہ, اپنی وہ کمٹمنٹ بھول گئے اور وہ درخت کے پاس چلے گئے, اور درخت کے پاس گئے اور ظاہر ہے اس میں سے پھل کھایا. جب ایسا ہوا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا, اور ان کی زوجہ کا بھی, وہ جنت کا لباس اتر گیا. اب یہاں پر ایک اور نقطہ پہلے اس کی طرف نکل جاؤں کہ وہ الگ سے نکل رہا ہے, اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اچھا جنت کا جب وہ لباس اتر گیا تو وہ فوراً اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانکنے لگے, جنت کے درختوں کے پتے لیے اور ڈھانکنے لگے. اس ایٹیٹیوڈ سے دو باتیں پتہ چلیں, ایک تو یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پتھروں کے زمانے میں جب تھا تو انسان جو ہے وہ ہوش نہیں تھا, ننگا گھومتا تھا, برہنا رہتا تھا, غلط ہے یہ بات. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان جسے انسان کہا جاتا ہے, ہومو سیپین کی بات نہیں ہو رہی ہے, جسے ہم انسان سمجھ رہے ہیں, جسے آدم کہا گیا تھا, وہ آدم اتنا شعور والا تھا کہ اسے لباس پہننا, اسے پتا تھا کہ لباس پہننا ہے, اور اسے یہ بھی شعور تھا کہ جب لباس اس کے جسم سے اتر گیا تو وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگا, یعنی اسے شرمندگی محسوس ہوئی, اسے حیا محسوس ہوئی. اس کا مطلب انسان کو جہالت کے اندھیروں میں ہی نہیں رکھا گیا, شروع سے ہی آدم سے لے کر ہدایت کنٹینیو آتی رہی ہے, تو وہ ہدایت پہلے سے موجود تھی. تو یہ جب ہوا تو اب کیا ہوا, جیسے یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اب یہاں پر آپ دیکھیں شیطان کا اور آدم کا, ہم نے شاید کسی روکوں گا وہی پرانی والی بات جو آپ نے کہی تھی کہ اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے کسی پروگرام میں بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ اللہ کے بندوں میں اور اللہ کے نافرمانوں میں فرق کیا ہے, کہ اللہ کے نافرمان بھی غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کا بندہ جب ہوتا ہے تو وہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً اللہ یاد آتا ہے, فوراً وہ پلٹنے کی, فوراً استغفار کی سوچتا ہے, فکر میں آ جاتا ہے, توبہ یو ٹرن کرتا ہے. جبکہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا وہ اپنی بات پر اکڑ جاتا ہے, مصر ہو جاتا ہے, کہتا ہے بس میں جو کہہ رہا ہوں بس یہی ٹھیک ہے. یہ دو رویے ہیں, دو الگ الگ رویے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا اس وقت رویہ یہ تھا کہ وہ فوراً گڑ گڑائے, لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک جتنا علم دیا تھا اتنا ہی علم انہیں تھا, بے شک جب وہ گڑ گڑائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے پشیمانی ہے اپنے اس گناہ کی, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اس گناہ کا ایکسکیوز کیسے کروں, اس کی سوری کیسے کروں, اس کا استغفار کیسے کروں, وہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کیونکہ تو نے مجھے جتنا علم دیا مجھے تو اتنا ہی علم ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے فتلقی, اللہ تعالیٰ نے القا کیے, اللہ تعالیٰ نے القا کیے آدم کے اوپر چند کلمات جن سے کہ آدم نے توبہ کی, فتاب علیہ, جن سے آدم نے توبہ کی. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہ دعا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ تھے سورہ ہود آیت نمبر سورہ آراف آیت نمبر 23. آراف کی آیت 23 یہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب ذرا اس کو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے نیچر میں ملتی جلتی ہے, ذرا ادھر بھی جائیے, وہاں انہوں نے اعتراف کیا تھا نا کہ میں ظالموں میں سے ہوں,
यहाँ हजरत आदम एतराफ करते हैं रब्बना जलमना अनफुसना, कि अल्लाह हमने अपनी जानों पर खुद जुल्म ढाया है। देखें जलम जुल्म, वहां पर भी जुल्म का एतराफ किया था, यहां पर भी पैगंबर ने वही एतराफ किया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। एक बात और याद रख लीजिए कि अल्लाह ताला ने जुल्म का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना कुरान में और बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ शिर्क के मानों में भी इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला कहता है इन शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, कि जो शिर्क है ना वो अज़ीम जुल्म है। तो शिर्क के लिए अल्लाह ताला ने जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अल्लाह ताला के पैगंबर से अगर कोई गलती सरजद हो जाती है तो वो दरअसल इतना बड़ा वबाल हो जाता है, इतना बड़ा वबाल हो जाता है कि वो जुल्म के ज़ुमरे में आ रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था ना कि हर शख्स की आजमाइश उसके लेवल के हिसाब से है। लेकिन इस बात से तो ये बात है आपने कि लेवल से आजमाइश की थी, मैं कहता हूँ लेवल से अगर गलती कोताही हो तो फिर उतना ही बड़ा गज़ब भी है। गज़ब भी है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई छोटी सी बात मामूली सी बात होगी ना, एक आम आदमी कोई मामूली सी लगजिश करेगा, अल्लाह ताला उसको इग्नोर कर देगा। अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे इग्नोर कर देगा, अच्छा ठीक है भाई ये इसको नहीं पता, इसको इतना इल्म था, ये इतनी ही कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर कोई पैगंबर से कोई गलती भी हो जाए ना, मामूली सी बात भी हो जाए, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, सूरह कहफ के अंदर, इसका यहाँ पर मौका नहीं है, सूरह कहफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वफद आया था उनके पास, डेलीगेशन आया था जो कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे और उनका आंसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था। तो आपने ये सोच कर के ये आंसर अल्लाह ताला वही के ज़रिए बता देगा, आपने उनसे कहा कि अच्छा मुझे आज मुझे नहीं मालूम, मैं कल तुम्हें बता दूंगा, तुम लोग कल आ जाओ मैं कल बता दूंगा, ये कह दिया। और कल वही नहीं आई, वो कल आ गए, वो डेलीगेशन तो आ गया, पूरा वफद आ गया कि जी बताइए, वही तो नहीं आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, उन्होंने फिर फरमाया कि अच्छा कल बता दूंगा, फिर कल वही नहीं आई। 15 दिन तक ये होता रहा मामला। अब आप सोचें कि उस वक्त उन यहूद और नसारा ने और काफिरों ने कितने ताने दिए होंगे कि जी अच्छा आप पैगम्बर, अपने आप को पैगम्बर कहते हैं और बार बार ये कहते हैं है नहीं अल्लाह ताला, तो कहते हैं मुझ पर वही नाजिल होती है, कोई वही नहीं आ रही, और पैगंबर कितने परेशान होंगे, कितने परेशान होंगे, ज़हनी तौर पर कितने कर्ब में होंगे। 15 दिन के बाद वही आती है और वो सारे सवालात के जवाबात अल्लाह ताला देता है जो वो पूछ रहे थे, और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ऐ पैगंबर कभी ये ना कहा कीजिए कि मैं ये काम कल कर लूँगा, बल्कि ये कहा कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं कल ये काम कर लूँगा। ये गलती थी, इस गलती पर कितनी बड़ी आजमाइश अल्लाह ताला ने की, 15 दिन तक वही का सिलसिला रोक लिया। ये मामूली गलतियां भी पैगंबरों के लेवल पर अगर हों तो वो इतनी बड़ी बात बन जाती हैं कि उसकी तस्हीह करना अल्लाह के लिए ज़रूरी होता है, अल्लाह ताला से तस्हीह करता है। अगर मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे इस चीज़ से कुछ सीखना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे नहीं पता कुछ भी और मैं गलती करता हूँ, क्लेम करता हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मेरी अक्ल व शऊर में इजाफा होता है फिर मैं गलतियाँ करता हूँ, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो इल्म है ना वो नेमत तो है, लेकिन जितना इल्म है उतनी बड़ी आजमाइश भी है। आपको जितना इल्म मिलता जाएगा उतनी आजमाइश का लेवल आप अपने लिए बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप को आप टाइट करते जा रहे हैं, स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन फिर उसी आजमाइश से तरक्की, और अगर आजमाइश से गुजरता जाए एग्जैक्टली तो उसका इनाम भी उतना ही है। आजमाइशें बढ़ती जाएंगी और इनामात भी बढ़ते जाएंगे। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल किया, अच्छी बात की तरफ गए, अच्छी बात को सीखा, इम्तिहान दिया और उसके मुस्तहिक करार पाए ना। तो क्या ये दुआ मांगना जायज है कि अल्लाही मेरी समझ में यहाँ तक मैंने सीख लिया, इम्तिहान दिया, शायद मैं पास हो, अगर हुआ तो अगला इम्तिहान भेज। इसके लिए मैं आपको बताऊँ, ये हम और अगली नशिस्त में करेंगे, सूरह बकरा के इख्तितामी जो आयात हैं उसमें अल्लाह ताला से आजमाइश ना मांगने की दुआ की गई है। कभी भी अल्लाह ताला से आजमाइश ना मांगे, कभी भी अल्लाह ताला से इम्तिहान ना मांगे, दे दिया सही, क्योंकि आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला इम्तिहान में जब डालेगा तो कैसे डालेगा। तो अल्लाह ताला से आजमाइश कभी नहीं मांगनी चाहिए, नेवर, हमेशा अल्लाह ताला से आजमाइश की पनाह मांगनी चाहिए कि आजमाइश में तू ना डाल हमें, क्योंकि
अल्लाह ताला तो आजमाइश में डाल देगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उस आजमाइश पे पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अगर नहीं उतरे तो जितना किया कराया सब जीरो पर आ जाएगा। तो इसलिए आजमाइश तो नहीं मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगना चाहिए। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला से अदल नहीं मांगना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए बल्कि। एक बड़ी बात मैं बता दूं, अल्लाह जितने पैगंबरों की आप दुआ देख लें, अल्लाह ताला से अदल किसी ने नहीं मांगा, अल्लाह ताला से फजल मांगा है। अल्लाह ताला से अदल हो गया तो, अदल हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। तो अदल नहीं मांगो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो। या अल्लाह, हम तो गुनाहगार हैं, छोटे मोटे हम तो ये करते रहते हैं, मेरी अब इबादत भी टूटी फूटी सी हैं, तू अपने फजल से, अपने रहम से बस हमें माफ़ कर दे। तो ना आजमाइश मांगो, ना अदल मांगो, फजल मांगो। इस दुआ का तर्जुमा, तो ये दुआ ये है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, के ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ख़ुद से जुल्म किया, वइल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमारी मगफ़िरत ना की, लना वइल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मगफ़िरत ना की और फिर हम पर रहमत ना नाजिल की, लना कूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। यानी हमारे लिए फिर तबाही है, बर्बादी है, अगर तूने हमारा हाथ ना पकड़ा, तूने हमारा इस्तग़फ़ार कबूल ना किया, और इस्तग़फ़ार खाली कबूल नहीं करना बल्कि उसके बाद रहमतें हमारे ऊपर ना नाजिल की, तो हम तो तबाह हो जाएंगे। मेरे दिल के बड़े करीब है सूरह असर, तो ये जो खासरीन वाली बात है, मैं खुसर, वो चार शिकें जो हैं, अगर वो ना की तो ज़माने की कसम खसारा, ज़माने की कसम। वो तो अल्लाह ताला ख़ुद कसम खा के कह रहा है कि ये लोग जो होंगे जिनमें ये कैटेगरी, ये वाली सिफात नहीं होंगी, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि सब खसारे में होंगे। और मैं उसको इस तरह भी कभी समझ ना हो, समझाने की तो मेरी औकात नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर ये ना करने पे कसम है खसारे की, तो ये करने पे फिर सोचो कि क्या वादा हुआ, अगर ये कर लिया तो फिर अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मतलब मेरा वादा है लोगों से कि अगर वो मेरे बताए हुए उस पे रास्ते पे कायम रहे, तो मेरा वादा है कि उनके लिए कोई खौफ नहीं है और कोई गम नहीं है। एक सूरह बकरा में है कि अल्लाह ताला अपने मोमिनीन बंदों से कहता है कि तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है और कोई गम नहीं है। ये दो जो अल्फाज हैं ना, खौफ और गम, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है और गम नहीं है। हमेशा याद रखें, खौफ जो होता है ना इंसान को, वो मुस्तकबिल का होता है, और गम जो होता है ना, वो माजी का पछतावा होता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरे बंदे होंगे ना, वो क़यामत के दिन जब आएंगे, तो उनके लिए कोई खौफ भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा, उन्हें अपने माजी की सारा जो रिकॉर्ड है वो धुला हुआ मिलेगा, कोई पछतावा नहीं, कोई गम नहीं होगा, और उन्हें मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं होगी, कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। यहाँ पे इस दुआ का की बहस को हम रोकते हैं, अगली दुआ की तरफ चलेंगे।